देश का इतिहास पान के बिना अधूरा है। हिंदू धर्म में तो बाकायदा पान को पूजा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी शुभ अवसर हो, पान का प्रयोग पूजा पाठ में जरूर किया जाता है। वहीं भारत में पान खाने के शौकीनों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक पान की दुकान उत्तर प्रदेश के मेरठ के शास्त्री नगर में है, जहाँ 151 तरह की वैरायटी के पान मिलते हैं। दुकान के मालिक प्रशांत बताते हैं कि उनके यहाँ पर 5 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक का पान मिलता है। आज हम ऐसे ही एक पान की बात बताने जा रहे हैं, जिसे कोहिनूर पान कहा जाता है। ये कोई आम पान नहीं है, जी हाँ, इस पान को सुहागरात पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं। कोहिनूर पान में भी दो वैरायटी हैं। इनमें से एक कोहिनूर प्लेन है, जिसकी कीमत 2100 रुपये है। वहीं दूसरा कोहिनूर गोल्ड है, इसकी कीमत 3100 रुपये है। इस कोहिनूर पान को विशेष तौर पर दूल्हा और दुल्हन के लिए ही बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गोल्ड प्लेटेड होना है। इसमें दुल्हन को दूल्हा सिल्वर कोटेड कोहिनूर पान खिलाता है, वहीं गोल्ड प्लेटेड कोहिनूर पान दुल्हन दूल्हे को खिलाती है। दुकान के मालिक प्रशांत बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हैदराबाद से चला आया है। गोल्ड कोटेड कोहिनूर पान में शहद, अश्वगंधा, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म आदि मिलाई जाती है। कोहिनूर प्लेन और कोहिनूर गोल्ड प्लेटेड पान में वे अपनी तरफ से बनाया हुआ स्पेशल मसाला भी डालते हैं। प्रशांत का कहना है कि इन दोनों पान की खासियत है कि ये आयुर्वेद जड़ी बूटियों के अलावा कुछ ऐसी प्राकृतिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं, जिसे दूल्हा दुल्हन ताउर नहीं भूल पाते। प्रशांत कहते हैं कि उनकी दुकान में 71 तरह के मीठे पान मिलते हैं। सभी पान की अपनी अपनी खासियत है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर बिकने वाला मीठा पान स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। मीठे पान में कुछ फ्लेवर बहुत खास होते हैं। मीठे पान की वैरायटी खास बहार, गुलाब चटनी, गुलाब केसरी, गुलाब बहार, रात रानी, रजनीगंधा आदि होती है। वहीं उनकी दुकान पर 20 तरह के चॉकलेट पान की वैरायटी है। चॉकलेट पान के भीतर जो रॉ मटेरियल होगा वो चॉकलेट वाला होगा। इनमें बटर स्कॉच, वनीला, स्ट्रॉबेरी के अलावा कई अन्य चॉकलेट फ्लेवर हैं। मेरठ से KP त्रिपाठी की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, ये बताइए, जैसे आप पान की दुकान है और आपने बताया कि ये पान जो है कई प्रकार की वैरायटी होती है, मीठा पान कितनी वैरायटी का होता है? हमारे पास अभी 71 प्लस तरीके के मीठे पान लगभग हमारे पास सब मीठे ही और सबका मीठे का फ्लेवर होता है। जो पान है हमारे पास मीठे के ही है। 71 टाइप्स के जो हमारे पास है फ्लेवर सभी अवेलेबल है। उसमें कुछ वैरायटी चॉकलेट्स की भी है। चॉकलेट में लगभग 18-20 तरीके के पान है जो चॉकलेट पान तैयार होते हैं। उसके अलावा मीठे में फ्लेवर्स आ जाते हैं, उन फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग पान तैयार किए जाते हैं। कुछ जो पान है अपने चॉकलेट पान की क्या खासियत है? चॉकलेट में जो बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है कि पूरा उसके अंदर का भी जो मटेरियल होगा वो चॉकलेट होगा, विद पान के रॉ मटेरियल के साथ चॉकलेट होगा और फिर उसको चॉकलेट में ही डिप किया जाता है। अलग अलग तरीके का है, जैसे बटर स्कॉच है, क्रेमल है, हेजलनट है, तो सबका अलग अलग तरीके की डिपिंग होगी। मीठा पान जो आपने बताया, मीठे पान की 71 तरीके की वैरायटी है, सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है उसमें मीठे पान की? अपने पास नॉर्मली जो चलते हैं फ्लेवर्ड वाले पान है, सब में अलग अलग, गुलाब चटनी है, केसर चटनी है, खस है, रात रानी है, रजनीगंधा है, ये सब इस जो है बेसिकली सब फ्लेवर्स ही हैं पान के। कोई ऐसा भी शादी ब्याह में ऐसा भी कोई पान आप लोग ऑन डिमांड देते हैं, जैसे मतलब साली जीजा को खिलाती हो शादी में? या हाँ, सब है, जैसे सगाई के लिए अलग है, तिलक के लिए या सगाई के लिए अलग पान है, उसको सिल्वर कोटेड या गोल्ड प्लेटेड के नाम से भी हम दो तरीके से उसको ऑफर करते हैं। बाकी अपने पास एक आती है पान थाली, जिसमें पान थाल मान लीजिए ऐसे पूर्वांचल की साइड में गिरजा साले दोनों आपस में पान खिलाए जाते हैं या जो समुद्री हैं वो भी खिलाते हैं, तो उसके लिए 5 तरीके के अलग अलग फ्लेवर सिल्वर कोटिंग की जाती है उन पर गोल्ड प्लेटेड करके, और वो बाकायदा गिफ्ट पैक में होके जाते हैं और सर्व किए जाते हैं उस तरीके। अच्छा, जैसे शादी हो गई और उसके बाद सुहागरात के दिन स्पेशल पान कुछ किस टाइप का, उसके बारे में? हाँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चला हैदराबाद, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। हमारे यहाँ पे जो ये पान है कोई
मंसूर है, पलंग तोड़ है, कहीं कुछ और। लेकिन अपने यहाँ जो हम सर्व करते हैं वो कोहिनूर प्लेटेड, इसमें भी दो वेराइटी हैं, एक कोहिनूर प्लेन है और एक कोहिनूर प्लेटेड। तो कोहिनूर प्लेन 2100 रुपये का है लगभग, और कोहिनूर प्लेटेड 3100 रुपये का। दोनों में अंतर है कि जो कोहिनूर प्लेटेड है उस पर गोल्डन का वर्क होता है और उसके साथ ही वो सर्व किया जाता है। बाकी प्लेन वाला नॉर्मल हो गया। इंग्रेडिएंट सबके दोनों के लगभग सेम होते हैं। इंग्रेडिएंट में हम शहद का यूज़ करते हैं, अश्वगंधा, शिलाजीत और स्वर्ण भस्म, ये सारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं इन सभी को मिलाकर उसका तैयार किया जाता है। पान का रॉ मटेरियल सब में रहेगा, जो भी चीज़ें हैं पान की, जैसे कट्ठा है, चूना है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये तो रहने ही हर एक में। उसके अलावा मिक्सचर है पान का, जो रॉ मिक्सचर है वो हम अपना खुद तैयार करते हैं। उसके सादा पान में भी या मीठे पान में भी लगभग 22 तरीके के हमारे सुपारी या जो चीज़ें हैं वो मिलाकर उसमें डाली जाती हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रशांत जी ने हमें बताया कि इनके पास कैसे किस किस वैरायटी के पान हैं और पान की कीमत के बारे में भी उन्होंने बताया। कैसे देखिए इनका पान वैरायटी देखिए, कोहिनूर प्लेटेड, बनारसी पान, तंबाकू पान, पूरा खस चटनी पान, रात रानी चटनी पान, मैंगो चटनी पान, केसर, ये देखिए इधर जो पान है रसमलाई पान, और ये आप देख रहे हैं चॉकलेटी पान। कि मेरठ में किस तरीके से कितने अच्छे अच्छे पानों की वैरायटियां हैं इनके पास। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।